एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ अगस्त माह के बेस्ट 300 करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारा अगस्त माह का मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो इसको आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वह बना है रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ILO-ADB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 के कारण कितने लाख युवाओं ने अपना रोजगार खोया है? तो यह खोया है 41 लाख युवाओं ने। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक कंबाइंड रिपोर्ट के अनुसार भारत में 41 लाख लोगों ने अपना रोजगार खोया है। 18 अगस्त 2020 को ILO और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की, टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक, जिसमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में लगभग 41 लाख युवा अपनी नौकरी खो चुके हैं। यह रिपोर्ट युवाओं और कोविड-19 पर वैश्विक सर्वेक्षण और विभिन्न देशों में उपलब्ध बेरोजगारी डेटा के क्षेत्रीय मूल्यांकन पर आधारित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट के अनुसार साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स कौन हैं? साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर हैं ड्वेन जॉनसन। फोर्ब्स मैगजीन ने द हाईएस्ट पेड एक्टर 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में दूसरे वर्ष भी रेसलर से फिल्म स्टार बने ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक, जिनका नाम द रॉक के नाम से फेमस है, उन्होंने टॉप किया है, जिनकी कुल कमाई $87.5 मिलियन है। भारत से इसमें अक्षय कुमार छठे स्थान पर हैं। वह $48.5 मिलियन की कमाई के साथ इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे भी मनाया जाता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? यह की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वन सन OSOWOG यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस योजना की जो शुरुआत है घोषणा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं राजकुमार सिंह। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। खेल मंत्रालय 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा, जो एक अनूठी अवधारणा का दावा करता है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 14 अगस्त को भव्य समारोह का शुभारंभ किया। वर्तमान कोविड-19 महामारी की स्थिति और सामाजिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयोजन के प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी और कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार भागने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।
ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वह है मुंबई। मुंबई में जो ट्रैफिक सिग्नल है उस पर जो जनरली जो होते थे वो मेल्स के साइन होते थे, यहाँ पे मुंबई जो पहला शहर बना है जिसने ट्रैफिक सिग्नल पे फीमेल के साइन जो शो किए हैं। मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर वुमेन प्रतीक को प्रदर्शित किया गया है जो समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में अभी लेबनान के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीब और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर पर फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने में उनकी विफलता के चलते दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति मिशेल अउन ने हसन दीब को नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक क्षमता पर बने रहने का आदेश दिया है। हसन दीब ने 21 जनवरी 2020 से 10 अगस्त 2020 तक लेबनान के पीएम के रूप में कार्य किया है। लेबनान की राजधानी है बेरूत और करेंसी है लेबनानी पाउंड। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया। इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। हर साल मणिपुर में देशभक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान कई मणिपुर के निवासियों ने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को महान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 1891 में इस दिन मणिपुर के तत्कालीन राजकुमार वीर टिकेंद्रजीत और थांगल जनरल सहित बहादुर मणिपुर के निवासियों को इम्फाल में आम जनता के सामने फांसी दी गई थी। अरुणोदय योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो यह शुरू की जा रही है असम में। असम सरकार राज्य में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना शुरू लागू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में यह सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम की राजधानी है दिसपुर। भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा एमसीएक्स के द्वारा। एमसीएक्स का फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एमसीएक्स 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा। एमसीएक्स भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह मुंबई में स्थित है। भारत में कुल 6 कमोडिटी एक्सचेंज है। यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 के विजेता कौन है? तो वह है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने सर्किट डी बार्सिलोना कैटालोनिया स्पेन में आयोजित फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 जीता है। यह सीजन की उनकी 4th जीत थी। उनके करियर की यह 88वीं जीत थी। मैक्स वेरस्टैपेन दूसरे स्थान पर और वाल्टेरी बोटास में तीसरे स्थान पर रहे हैं। डिजिटल अपनाए अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? फ्रेंड्स, ये जो सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये आपके सारे आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डिजिटल अपनाए अभियान
जो है वह पीएनबी के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान का शुभारंभ किया है। बैंक के एमडी एसएस मल्लिकार्जुन राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 31 मार्च 2021 तक के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने और कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रहा है। फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है किरण रिजिजू के द्वारा। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल की शुरुआत की गई है। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसे नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में स्काउट्स एंड गाइड्स एनसीसी एनएसएस सहित अन्य युवा संगठन देश के प्रत्येक ब्लॉक में फिट इंडिया यूथ क्लब्स के रूप में रजिस्ट्रेशन करेंगे। सौर्य केजीसी कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड सैन्य और अर्ध सैन्य कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा। यह 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए लॉन्च किया गया है। यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है। शशि जगदीशन एचडीएफसी बैंक के नए एमडी होंगे, वह आदित्यपुरी की जगह लेंगे। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को एक वेबिनार के दौरान शुरू किया गया था। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय का उद्देश्य लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया। वेबिनार को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वह रखा जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसिव करने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीहड़ों से जोड़ता है। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी है, जोखिम उठाया है। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण है। 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए #reallifeheroes के नाम से एक वैश्विक अभियान चलाया जिसमें उनको धन्यवाद दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। येलो चेन प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नागालैंड में। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है।
नागालैंड की राज्यपाल है आरएन रवि और राजधानी है कोहिमा। अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वह बने हैं सहजान मुजीब। इंडियन आइडल सीजन 11 फाइनलिस्ट और ऑस्कर नॉमिनेटेड प्लेबैक सिंगर सहजान मुजीब स्वच्छ भारत अभियान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एयर सुविधा पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है डायल के द्वारा। डायल का फुल फॉर्म है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। डायल ने भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अशोक लवासा। भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लवासा ने इस्तीफा सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए दिया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो यह जीती है मैक्स वेरस्टैपेन ने। रेडबुल रेसर मैक्स वेरस्टैपेन ने 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली है। इसमें मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे और मर्सिडीज के अन्य रेसर वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। 2012 के बाद सिल्वरस्टोन पर रेडबुल की यह पहली जीत थी। एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया। एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड परियोजना की तैयारी में सुधार, निवेश और बुनियादी ढांचे में आकर्षित करेगा और भारत निवेश ग्रिड पर होस्ट किया जाएगा। यह वैश्विक निवेशकों को देश में वास्तविक समय के निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। वाल्टर रोजर मार्कोस रुइस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह बने हैं पेरू के। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और रिटायर्ड सेना अध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्कोस को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि की घोषणा पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विजकार्रा ने की। रुइस एल्वारो कैट्रियानो बेलिडो की जगह लेंगे। पेरू की राजधानी है लीमा और वहां की करेंसी है पेरूसोल। राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। यह पोर्टल वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। हाल ही में आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में भारत से किसे शामिल किया गया है? तो यह किया गया है अनंता पद्मनाभन को। आईसीसी के सीईओ हैं मनु सहाय, इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, इसके चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। हाल ही में मनितोम्बी सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो एक फुटबॉलर थे। भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान कप्तान मनितोम्बी सिंह का निधन हो गया। उन्होंने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब जीता था। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ फटा है? यह फटा है इंडोनेशिया में। इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का लक्ष्य राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह नया प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। किसान सहाय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में खरीफ सीजन के मद्देनजर सभी किसानों को कवर किया जाएगा और किसानों को कोई प्रीमियम या पंजीकरण का पेमेंट नहीं करना होगा। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। पेटीएम ने भारत में कॉन्टेक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट POS लॉन्च किया है। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और उसका हेडक्वार्टर है नोएडा UP। कृषि मेघ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया गया। कृषि मेघ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के डिजिटल कृषि की सेवाओं और सुविधाओं को पूरा करने में मदद करेगा। अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। एक स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके साथ स्काईरूट एरोस्पेस को एक होमोग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाले पहली निजी फर्म बन गई है। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा गया है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं हर्ष कुमार भनवाला। नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार भनवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले भनवाला 6 साल तक नाबार्ड के अध्यक्ष थे। उन्हें दिसंबर 2013 में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 26 मई 2020 को सेवा मुक्त कर दिया था। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के MD हैं केशव पोरवाल और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नवल इनोवेशन एंड इंडिगनेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया। NIIO ने उपयोगकर्ताओं के लिए शिक्षा और उद्योग के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जिससे रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। सेल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो सेल का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह किया गया है शोभा मंडल को। शोभा मंडल को पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगी। सेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दलाई लामा के द्वारा। तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार
फ्रांच ऑल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई आवर ओनली होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे। इस पुस्तक में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर जोर देने की अपील की गई है। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को पाठ्य पुस्तकों में उजागर किया जाना चाहिए। एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेने और न्यू इंडिया बनाने की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। कर्मा सती प्रकल्प योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मा सती प्रकल्प योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 1,00,000 बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडीज प्रदान की जाएगी। यह योजना युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जापान द्वारा बांग्लादेश को दिया गया अभी तक का सबसे बड़ा ऋण पैकेज कुल कितनी राशि का है? तो यह है 3.1 बिलियन डॉलर का। जापान ने बांग्लादेश को 3.1 बिलियन डॉलर के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान ने बांग्लादेश को 7 परियोजनाओं के लिए यह ऋण दिया है। जापान की प्रधानमंत्री है शिंजो आबे और राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। 20 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं आईआईटी बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में 20 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर के निर्माण के लिए आईआईटी बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह स्मॉग टावर 10 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 के विजेता कौन है? यह है नितिन सेठ और शिव सहाय सिंह, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। पत्रकार नितिन सेठ और शिव सहाय सिंह को खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 और सोशल इंपैक्ट जर्नलिज्म के लिए केपीसी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। नितिन सेठ हफिंगटन पोस्ट में पत्रकार हैं और शिव सहाय सिंह द हिंदू में पत्रकार हैं। एसीजे का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और इसके चीफ है शशि कुमार। कॉफी टेबल बुक्स किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है मनोज सिन्हा के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर में किए जा रहे प्रमुख विकास संबंधी हस्तक्षेपों को उजागर करते हुए जिलों और विभागों की कॉफी टेबल बुक्स लॉन्च की। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस ने इंटीग्रेटेड चैंपियन स्कूलों का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है? तो यह किया है 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने यूनिफाइड चैंपियन स्कूल्स के तहत बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सहित 6 देशों को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। यूएई की राजधानी है अबुधाबी और इसकी करेंसी है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। 15 अगस्त 2020 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? तो यह मनाया गया है 74वां स्वतंत्रता दिवस। ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? वह होंगे हरभजन सिंह। अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया में अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वह बने हैं कौशिक खोना।
कौशिक खन्ना को गो एयरलाइन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह विनय दुबे का स्थान लेंगे। गो एयर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है। गो एयर वाडिया ग्रुप के अंडर में है। गो एयर को हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके फाउंडर है जहांगीर वाडिया और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो यह किया गया है रूस की अध्यक्षता में। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक हुई है। इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयोजित किया गया था। उसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत ने भागीदारी की थी। हाल ही में एमएस धोनी के साथ और किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो एमएस धोनी के साथ अभी सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा की है। स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है जनजातीय मंत्रालय द्वारा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर पोषण ई न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च किया गया है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और जनजाति कार्य राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता। पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन होंगे? तो वह होंगे राकेश अस्थाना। भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में ITBP के चीफ SS देसवाल इस साल मार्च से BSF का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉस 1972-2020 नामक किताब के लेखक कौन है? तो वह है अर्जुन सुब्रमण्यम। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉस 1972-2020 एक नई किताब लिखी गई है। यह उनकी पहली पुस्तक इंडिया वॉस ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947-71 की अगली कड़ी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ साझेदारी करके कौन सा वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है ई पाठशाला। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। वे किस राज्य के कैबिनेट मंत्री थे? तो वह उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे। ब्रिटेन ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है? तो यह 3 मिलियन पाउंड का शुरू किया है। ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। इस फंड का उद्देश्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट में COVID-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के प्रस्तावों का समर्थन करना है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान पहल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह गूगल के साथ साझेदारी की है। गूगल और भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने पिछले कई महीनों से पूरे भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने की पहल की शुरुआत की। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार जैन। इसका हेडक्वार्टर है सेवा भवन नई दिल्ली में। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा क्वालिटी कंट्रोल लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है गुजरात के पोरबंदर में। 15 अगस्त 2020 को इंडिया पोस्ट ने कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? तो इंडिया पोस्ट ने 5 स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं, जिसमें है अहमदाबाद, सरखेजा, रोजा और गोवा के चर्च ऑफ बोम जीजस, पट्टाडकल में स्मारकों का समूह, खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स में जवेरी मंदिर और दिल्ली की कुतुब मीनार। हाल ही में भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के कौन से सत्र का आयोजन किया गया? तो अभी इसके 13वें सत्र का आयोजन किया गया। हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे? तो वह फिल्म उद्योग से थे।
गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी उनको मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ओकले ने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे रोहित शर्मा। स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जन बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है, जो कस्टमर्स को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 में और इसके MD और CEO है ऋषि गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। हाल ही में क्रिकेटर लॉरा मॉस ने संन्यास का ऐलान किया, वह किस देश से हैं? तो वह है इंग्लैंड से। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लॉरा मॉस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। हाल ही में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह माली के राष्ट्रपति थे। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्तापलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया। माली गणराज्य की राजधानी है बमाको और इसकी करेंसी है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ARIIA 2020 की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो इसमें पहले स्थान पर है IIT मद्रास। IIT मद्रास भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्तीय पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स में अपने शीर्ष स्थान पर बरकरार है। हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किस का निधन हो गया, वे किसके आविष्कारक थे? तो वह पिक्सल के आविष्कारक थे। पिक्सल क्या है? पिक्सल एक डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो वीडियो और फोन पर और साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे की 2x2 इंच की छोटी ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। फ्लिपकार्ट ने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है IIT पटना के साथ। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के द्वारा कौन कौन से एग्जाम करवाए जाएंगे? तो NRA के द्वारा SSC, RRB, IBPS जिसका सही आंसर है उपरोक्त सभी एग्जाम करवाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को अपनी मंजूरी दे दी। NRA का उद्देश्य सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना होगा। NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB सहित IBPS शामिल होंगे। भारत सरकार द्वारा NRA के लिए 1517.57 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसके अलावा 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की विशेष सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो यहाँ शुरू की है यस बैंक ने। यस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉन्च किया गया है। यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। मुथूट फाइनेंस ने COVID-19 कवर देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ। LVB DG को सुविधा किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है लक्ष्मी विलास बैंक के द्वारा। लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल LVB DG को लॉन्च की है। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई। इसके MD और CEO है S सुंदरम। लुइस रोडोल्फो एबिडनट कोरोना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह अभी डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।
लुइस रोडोल्फो एबनर कोरोना ने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। एशियाई विकास बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह दी है 1 बिलियन डॉलर के ऋण को। पवित्रपति, औसत तारा उत्पाद किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो यह लॉन्च किए गए हैं डाइट के द्वारा, यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने COVID-19 से निपटने के लिए 2 उत्पाद पवित्रपति और औसत तारा को लॉन्च किया है। धनवंतरी रथ मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह दिल्ली में शुरू की गई है। 18 अगस्त 2020 को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और दिल्ली पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनी में धनवंतरी रथ नामक मोबाइल यूनिट के माध्यम से निवारक प्रचारक स्वास्थ्य सेवाओं के आयुर्वेदिक मोड का विस्तार किया गया। हाल ही में टेनिस स्टार एंजेला बक्सटन का निधन हो गया, वह किस देश से थी? तो वह ब्रिटेन से थी। पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी, 2 बार की ग्रैंड स्लैम डबल चैंपियन और समानता अधिकार की समर्थक एंजेला बक्सटन का निधन हो गया। एंजेला बक्सटन ने 1956 में रोलैंड गैरोस और विंबलडन दोनों में एलसी गिब्सन के साथ महिला डबल जीता था। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कौन से पदों के उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ग्रुप बी और ग्रुप सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी। कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है 121 पुलिसकर्मियों को। साल 2020 में कुल 121 पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक का उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता की पहचान करना है। इस सूची में 21 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इंडिया एट द रेट 75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है CII के द्वारा। केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इंडिया एट द रेट 75 समिट मिशन 2022 को संबोधित किया। यह सम्मेलन री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित था। हाल ही में प्रमोद भसीन को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनको अभी ICRIR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ICRIR के MD हैं डॉक्टर रजत कठुरिया और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। पॉजिटिव पे सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। इस अभियान को सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। SEP 2.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है अटल नवाचार मिशन और डेल टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और द्वारा डेल टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया। NITI नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिया के CEO हैं अमिताभ कांत। हाल ही में किसने अपना 59वां डी ज्यूर दिवस मनाया है? तो यह मनाया है पुडुचेरी ने। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डी ज्यूर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं PV नारायण स्वामी और राज्यपाल हैं किरण बेदी।
गोवा के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो खाजे, हरमल मिर्च, मिंदोली केले, इन सभी को जीआई टैग मिला है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे मसालेदार हरमल मिर्च मिंदोली केला को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। गोवा की राजधानी है पणजी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। हाल ही में चुनक्करा रमन कुट्टी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे? तो वह कवि थे। मलयालम कवि गीतकार चुनक्करा रमन कुट्टी का निधन हो गया। उन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे थे। यूरोपीय संघ द्वारा आवास निर्माण क्षेत्र की महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए निर्माणश्री परियोजना किन राज्यों में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है महाराष्ट्र और उड़ीसा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। यह परियोजना महाराष्ट्र के बीड, उस्मानाबाद जिलों और उड़ीसा के ढेंकनाल और जाजपुर जिलों में लागू की जाएगी। फ्रांसिस्को एस्ट्रे को लगातार 3 बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उनको अभी इक्विटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रांसिस्को पास्कल इयोगे ओबामा एस्ट्रे को लगातार 3 बार इक्विटोरियल गिनी का गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले एस्ट्रे सरकार ने 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति थियोडोर ओबियंग को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। फ्रांसिस्को एस्ट्रे को पहली बार 23 जून 2016 में इक्विटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इक्विटोरियल गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति हैं थियोडोर ओबियंग और राजधानी है मलाबो और इसकी करेंसी है मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक। श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है श्रम मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश के 7 सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने अभी इजराइल के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।